नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की खबरों में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करने वाले नारी शक्ति वंदन विधेयक के लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देश में मातृशक्ति के उत्थान की दिशा में ये सराहनीय कदम है और वहीं प्रदेश की मातृशक्ति की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इसके लिए आभार करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से महिला सशक्तिकरण के लिए प्रदेश में अनेक कार्य किए जा रहे हैं और राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षेतिज आरक्षण दिया जा रहा है। साथ ही आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र की मोदी सरकार के फैसले को ऐतिहासिक फैसला करार दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं देवभूमि उत्तराखंड की तरफ से, मातृशक्ति की तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि देश के आजादी के बाद मातृशक्ति के उत्थान के लिए उन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। निश्चित रूप से हमारी मातृशक्ति को, माताओं बहनों को अब हर क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिलेगा। ये अपने आप में ऐतिहासिक निर्णय है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन। उत्तराखंड विधानसभा की बागेश्वर सीट के उपचुनाव में विजयी रही पार्वती दास को विधानसभा सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। आपको बताते चले कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण उन्हें शपथ उनके द्वारा दिलाई गई है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। बताते चले कि उत्तराखंड विधानसभा की बागेश्वर सीट कैबिनेट मंत्री चंदा राम दास के निधन के बाद खाली हो गई थी और हाल ही में संपन्न हुए इस सीट के उपचुनाव में भाजपा ने पूर्व मंत्री चंदा राम दास की पत्नी पार्वती दास को मैदान में उतारा था और जिसमें पार्वती दास ने 2405 मतों से जीत दर्ज की। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नारी शक्ति बंधन विधेयक जो देश के अंदर पास हुआ है, महिला शक्ति के उत्थान के लिए लाया गया है। निश्चित रूप से उस विधेयक से पूरे देश के अंदर मातृशक्ति को हर क्षेत्र में आने का अवसर मिलेगा, प्रतिनिधित्व का अवसर मिलेगा और लंबे समय से जो मांग थी देश की आजादी के बाद से लेकर अब तक, पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। हालांकि लोकायुक्त की नियुक्ति से पहले चयन समिति में एक सदस्य की नियुक्ति होनी है। आपको बता दें कि इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में एक खास बैठक हुई और जिसमें विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी शामिल रहे। आपको बताते चले कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि पहले सदस्य की नियुक्ति होगी और इसके लिए खास बैठक की गई थी। सदस्य नियुक्ति के लिए न्यायालय सेवा से कोई नियुक्ति होना उचित रहेगा और उसके बाद चयन समिति के आगे निर्णय लेगी। देखिए, जो घटना के बारे में जिक्र हो रहा है उसका एक पहलू ही हमारे सामने है। मेरा सवाल है कि आखिरकार इस तरह की ये आखिरकार हुआ क्यों, क्या वजह रही इसकी, आखिर वजह क्या है इसकी, इस घटना की वजह क्या है। लगातार पीठ से निर्देशित किया जाता रहा है, अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, जो सम्मान मिलना चाहिए, जो प्रोटोकॉल है उसका अनुपालन नहीं करते अधिकारी। अधिकारियों बिल्कुल बेलगाम अधिकारी, कोई नियंत्रण नहीं, कोई अंकुश नहीं और अधिकारी जनप्रतिनिधि से अपने को ऊपर मानते हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने अश्वनी वैष्णव से मुलाकात की और इस दौरान राज्यपाल ने वैष्णव से आईटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर और रेल
कनेक्टिविटी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है समाधान पर चर्चा की गई। वहीं आपको बताते चले कि राज्यपाल ने उत्तराखंड के प्रति उनके सकारात्मक सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। का बढ़ता है खबरों की ओर। उत्तराखंड में यूसीसी ड्राफ्ट के लिए 27 मई 2022 को एक कमेटी का गठन किया गया था और जिसका दोबारा कार्यकाल पहले बढ़ाया जा चुका है और एक बार फिर से समिति का कार्यकाल 4 माह के लिए बढ़ाया गया है। आपको बताते चले कि 27 सितंबर को यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी का कार्यकाल खत्म हो रहा है और जबकि पूर्ण ड्राफ्ट अभी तक नहीं बन पाया है। इस मुद्दे पर विपक्ष का मानना है कि यूसीसी सत्ता पक्ष का सिर्फ एक मुद्दा है, सरकार की मंशा दूसरे मुद्दों से भटकाकर यूसीसी पर लगाना है। हर महीने कार्यकाल के तो यूसीसी का कार्यकाल तो या तो ठंडे बस्ते में चला जाएगा यूसीसी का जो मसौदा है, या कार्यकाल बढ़ता रहेगा। जो केंद्र का विषय है, केंद्र सरकार भी इस बारे में बार बार यूसीसी की बात कर रही है और अगर राज्य भी अगर इस तरह से यूसीसी का मसौदा प्रस्तुत करें या कहें कि हम इसको लागू करेंगे तो ये तार्किक नहीं है, न इसका कोई औचित्य है। देहरादून में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच राजनीतिक मुद्दा गरमाया हुआ है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बीस्ट और बीडी इंजीनियरिंग कॉलेज निदेशक के बीच गाली गलौज का वीडियो वायरल हुआ था और उसको लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाए थे कि अधिकारी जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं करते। और इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सदन की पीठ से भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया था लेकिन इसके बावजूद भी अधिकारी जनप्रतिनिधियों का अपमान लगातार कर रहे हैं। अध्यक्षता में लोकायुक्त के नियुक्ति को लेकर बैठक हुई है, चयन समिति की बैठक, और जिसमें एक सदस्य की और नियुक्ति होनी है चयन समिति में, जो कानूनी जानकार होंगे, जो विधिवेत्ता होंगे। और मेरा मानना है कि इसमें जुडिशरी से की नियुक्ति होगी तो बेहतर होगा। तो आपको बता दें कि एमएलए के वायरल वीडियो के बाद भी जो है पीठ के द्वारा अधिकारियों को निर्देशित किया गया था लेकिन उसके बावजूद जो है वो सम्मान नहीं किया जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने डेंगू को लेकर भाजपा सरकार और स्वास्थ्य विभाग पर जमकर जुबानी हमला बोला है। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जब सरकार का प्रशासन मौत के आंकड़े छुपाने लगे तो समझा जा सकता है कि बीमारी बढ़ने लगी है और सरकार के स्वास्थ्य जनता को बचाने के लिए नाकाफी है। वहीं आपको बता दें क्योंकि जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग अपना पल्ला इस बीमारी से बचने के लिए झाड़ने का काम कर रहा है, ये जनता पर बहुत बड़ी भारी पड़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि डेंगू के मरीजों को अस्पताल में बेड नहीं मिल पा रहे हैं और सरकार कहती है कि पूरे प्रदेश में 1000 के करीब डेंगू से पीड़ित मरीज हैं जबकि देहरादून हरिद्वार जैसे महानगरों में डेंगू महामारी का रूप धारण कर चुकी है और हर परिवार इस बीमारी से प्रभावित नजर आ रहा है लेकिन सरकार का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। मृत्यु के जब आंकड़े सरकार छिपाने लगे, प्रशासन छिपाने लगे तो उससे स्थिति को समझा सकता है। मरीजों के भी आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। कोई परिवार ऐसा है पूरे देहरादून में जिसका कोई परिचय या किसी का घर का कोई व्यक्ति डेंगू से पीड़ित नहीं है? उसके बाद भी सरकार कह रही 700-800 है, इससे ज्यादा नहीं है। और प्राइवेट अस्पतालों में जगह नहीं है, सरकारी अस्पतालों में जगह नहीं है, एक एक बेड में दो दो लोग हैं, हाथ से चीजें बाहर जा रही हैं और ऐसे ऐसे लोगों को मैं देख रहा हूँ, लीवर फेल हो जा रहा है, किडनी फेल हो जा रही है, पेट में पानी भर जा रहा है। ये दूसरा वेरिएंट है, ये नॉर्मल डेंगू नहीं है और सरकार ने आमंत्रण दिया है डेंगू को।
दिनेशपुर के चांडेपुर गांव में कजरिया कंपनी के जनरल मैनेजर अतुल गर्ग टल्स शोरूम का उद्घाटन करने पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि डुप्लीकेट माल की बिक्री को रोकने के लिए हर शहर में अपने ब्रांड के शोरूम खोलने चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रांडेड कंपनियों के आजकल हूबहू नाम देकर लोग माल तैयार कर रहे हैं। अगर हर ब्रांडेड कंपनी हर शहर में शोरूम का निर्माण करे तो डुप्लीकेट कंपनियों से बचा जा सकता है। तो आपको बता दें कि अतुल गर्ग चांडीपुर पहुंचे जहां उनके द्वारा ट्रायल के शोरूम का उद्घाटन किया गया। साथ ही साथ उनके द्वारा यह भी कहा गया कि जिस तरीके से आज के बाजार में डुप्लीकेट चीजें बढ़ती जा रही हैं, अगर ब्रांडेड कंपनी अपने हर जगह शोरूम खोले तो इन डुप्लीकेट चीजों से बचा जा सकता है। उनके अंदर एक बहुत प्राइमा प्लस एक्सक्लूसिव डिस्प्ले बनाते हैं ताकि कस्टमर कॉन्ट्रैक्टर या गवर्नमेंट अधिकारी यहां पर आ सकें, शोरूम को देख सकें, डिस्प्ले करने का तरीका देख सकें और ओरिजिनल और नंबर एक टाइल का फायदा उठा सकें। इस शोरूम से जो भी माल बिकेगा वो कजारी का ओरिजिनल बिकेगा, कजारी का नंबर वन क्वालिटी का माल बिकेगा, फर्स्ट क्वालिटी का माल बिकेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।